एक्स की पावर 6 माइनस पिछले अभ्यास में लगा चुके, 5 ई लगा चुके थे, 5 ई में हमें सभी सवाल हल हो गए होंगे। अब अभी दक्षता अभ्यास 5 का सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा, एक्स बॉल 6 माइनस एक्स पाई बॉल 6 में एक्स माइनस बाई का भाग देने पर कैसे भाग देते हैं। एक्स माइनस बाई एक्स की पावर 6 माइनस बाई की पावर 6, एक्स की पावर पर भाजक, हमारा भाजक का नियम है, हमारा भाग का नियम है कि भाजक के प्रथम पद का भाग भाज्य के प्रथम पद में भाग दिया जाता है और भागफल जो आता है उसका भाजक के प्रत्येक पद में गुणा कर दिया जाता है, फिर तो उसको नीचे रख करके घटाया जाता है। तो यहाँ पर भाग करने पर x की पावर 5 आया, x की पावर 5 का हमने मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 6 माइनस x की पावर 5 और बाई आया। इसको जब समान नहीं मिलता तो आगे लिखा जाता है, तो ये चिन्ह घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस x की पावर 5 आ जाएगा बाई और माइनस y की पावर 6 आ जाएगा। उतार लीजिए, ऊपर से उतार लेते हैं, माइनस फिर पर तो वही नियम लगाएंगे, x की पावर 5 और y की पावर 5 में x का डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा x की पावर 4 बाई, x की पावर 4 बाई का हमने गुणा किया, x की पावर 4 बाई आया और माइनस x की पावर 4 बाई स्क्वायर आया, फिर दोनों का घटाया तो चिन्ह बदल गए, माइनस और ये प्लस हो गया, ये कट जाएगा, ये आएगा प्लस x की पावर 4 बाई स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, उतार बाई पावर 6 उतार लिया। फिर हमने फिर भाग किया तो हमारा आया x पावर 3 बाई स्क्वायर, x पावर 3 बाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया तो यह x पावर 4 बाई स्क्वायर प्लस माइनस एक्स क्यूब बाई क्यूब प्लस आया, चिन्ह बदल गए, एक्स क्यूब बाई क्यूब ये कट गया, एक्स क्यूब बाई क्यूब प्लस का हो गया, माइनस बाई 6 पावर 6 आ गया। फिर हमने भाग किया तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर बाई की पावर 3 आया, एक्स क्यूब बाई क्यूब यहाँ पर आ गया गुणा करने पर और माइनस बाई एक्स स्क्वायर और बाई की पावर 4 आ गया हमारा बाई में गुणा करने पर, तो क्या आया माइनस, ये चिन्ह बदल गए तो ये हमारा कट गया, ये हमारा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर पावर 4 आ गया, माइनस बाई की पावर 6 आ गया, तो हमारा फिर हमने भाग किया तो हमारा आया एक्स बाई पावर 4, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर पावर 4 इसमें गुणा किया तो एक्स स्क्वायर बाई पावर 4 आ गया और इसका गुणा जब इसमें किया तो माइनस एक्स बाई की पावर 5 आ गया, चिन्ह बदल दिया गया, ये कट गया, ये आ गया प्लस का, एक एक्स बाई की पावर 5 माइनस बाई की पावर 6। अब क्योंकि ये बाई की पावर 5 आया वहाँ भाग भाग करने पर तो बाई की पावर 5 का हमने इसमें बाई में मल्टीप्लाई कर बाई की पावर 6 आ गया, तो बाई की पावर 6 का हमने बाई की पावर 6 के नीचे रख दिया, दोनों कट गए तो हमारा शेष पर 0 बचा, क्यू एक्स इतना आया जो हमारा भाग भर है वो क्यू एक्स है और आर एक्स बराबर 0 आ गया। इसी प्रकार से हम 27 ए क्यूब माइनस 55 ए स्क्वायर बी प्लस 36 ए बी स्क्वायर माइनस 8 बी क्यूब का गुणा भाग 3 ए माइनस बी में करेंगे, वही नियम लगाएंगे जो हमने उपनियम लगाया था, उसी प्रकार से ये हल हो जाएगा और शेष पर बचेगा माइनस बी की पावर 3 और ये हमारा क्यू एक्स आ गया और ये हमारा बी की पावर 3।